उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां वोटरों को अपनी खासियत गिनाने में लगी हैं। ऐसे में मुरादाबाद में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा में पश्चिम उत्तर प्रदेश एससी मोर्चे के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रजनीकांत जाटव ने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वेस्ट यूपी के दलित नेता कहे जाने वाले रजनीकांत जाटव ने ऐसे समय में भाजपा का साथ छोड़ा है जब पुनर की सीट पर दलित वोटरों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज सपा के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने रजनीकांत जाटव को सपा का पटका और टोपी पहनाकर सदस्यता दिलाई। भाजपा से बागी हुए वेस्ट यूपी के दलित नेता रजनीकांत जाटव ने सपा का दामन थामते ही भाजपा की नीतियों पर बरसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आज दलित की आवाज को सरकार में दबाया जा रहा है, अधिकारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और भाजपा डराकर राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज भाजपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है क्योंकि अखिलेश यादव ही दलितों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। रजनीकांत जाटव ने कहा कि भाजपा में रहकर दलितों की आवाज को उठाना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से प्रेरित होकर आज वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। देखिए, भाजपा के एक वरिष्ठ लीडर हैं बहुत, और रजनीकांत जाटव जी जो पहले उससे पहले बहुजन समाज के भी बहुत अच्छे पदों पर रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और इस समय वर्तमान में सरकार चल रही है भाजपा, उसमें क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं एससी प्रकोष्ठ में। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और हमें ऐसे समय पर उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है जो इस समय चुनाव का समय चल रहा है, हमें एक एक अपने साथी की ज़रूरत है। तो हमारे भाई रजनीकांत जाटव जी आए हैं, अपने समाज में एक बहुत अच्छी पहचान रखते हैं, अच्छे और सर्व समाज के नेता हैं, सर्व समाज में अपनी पहचान रखते हैं, पर इन्होंने अपने जहाँ उस भाजपा की सरकार चल रही है और भाजपा में रहते हुए जब अपने समाज के लिए जो ठीक से काम नहीं कर रही, जो एससी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एससी वर्ग को उपेक्षित करा जा रहा, उससे नाराज होकर आज ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रभावित होकर इन्होंने अपने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। तो मैं अपने परिवार में समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा और इनके आने से हमें उपचुनाव में भी मजबूती मिली और समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत मजबूती मिली। रजनीकांत जाटव जी के साथ तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, देख रहे हैं आप पार्टी कार्यालय पर कितनी भीड़ है और सब बहुत साथियों के साथ अपनी इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन करी है क्योंकि ये बहुत लंबे समय से समाज की राजनीति कर रहे हैं और क्षेत्रीय दलों वो बहुजन समाज की राजनीति करी है, तो एक जमीनी नेता है, जमीनी पकड़ है इनकी, तो ये इनके आने से हमें बहुत मजबूती मिली। देखिए, आज जो सरकार चल रही है सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो तीसरा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार हमारा। आज पत्रकारिता किस निचले स्तर पे चली गई है कि आप अपनी बात को जो समाज में हो रही घटनाओं को सही तरीके से आप उजागर नहीं कर सकते। यदि कोई हमारा कोई छोटा चैनल कोई गंभीर घटना को उजागर कर देता है तो उसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे लिख दिए जाते हैं, कई पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता है। ये सरकार पूरी तरीके से निरंकुश सरकार है, आम आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जब मैं अपने समाज के किसी व्यक्ति का कोई कार्य ना करा सकूं, जब मैं कभी किसी दलित शोषित का कोई कार्य ना करा सकूं, उसकी आवाज़ को किसी बड़े अधिकारी तक ना पहुंचा सकूं, तो ऐसी पार्टी में काम करने का कोई औचित्य बचता नहीं है। एक अखिलेश यादव जी इस देश में ऐसे नेता हैं जो दलितों को साथ लेकर आज की तारीख में सबसे बड़ी एक उन्होंने एक मुहिम चला रखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की अवहेलना ये सरकार जगह जगह कर रही है, चाहे वो हरियाणा का मामला हो। क्या जब आरक्षण में नौकरी देने की बात आई तो एक नया अमेंडमेंट
कैबिनेट में लाकर हमारी ताकत को आधा करने का काम किया है, जबकि बाबा साहब ने जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था में साफ है कि जो बच्चा पढ़ेगा वो नौकरी पे लगेगा। ज़बरदस्ती यदि किसी को केवल इसलिए कि वो कमज़ोर है उसे नौकरी दी जाए तो ये व्यवस्था संविधान के खिलाफ होगी। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देने का काम किया है और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है।